नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें इमोशन की कोई जगह नहीं होती। अगर आप इमोशनल होकर कोई फैसला लेते हैं तो समझिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का संबंधी नहीं होता, सब वक्त का खेल होता है। समय आपका है तो नेता और पार्टियां भी आपके साथ हैं। ऐसे ही समय बदलेगा तो ये सब भी बदल जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। खैर, इस स्टोरी में हम यूपी की सियासत पर बात करेंगे क्योंकि यूपी एक ऐसा सूबा है जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर ही निकलता है। इसलिए यूपी में राजनीतिक दांव पेंच का खेल अभी से ही शुरू हो चुका है। साल 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हो रहा था तब कई बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में गए थे, यहाँ तक कि सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर सुबह शाम पानी पी कर योगी सरकार को कोसने का काम करते थे और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी अखिलेश का हमेशा साथ निभाने की कसमें खाते थे। लेकिन जैसे ही दूसरी बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि धीरे धीरे दोनों नेताओं का मन भी बदलने लगा। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदला और अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में एक खास समुदाय पर अपनी पकड़ रखते हैं तो वहीं जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय पर जो है उनकी धाक मानी जाती है और ये दोनों ही नेता अब एनडीए का हिस्सा हैं। हालांकि एक और बात है जो ध्यान देने वाली है और वो ये है कि जयंत चौधरी को सपा से अलग हुए एक हफ्ता गुजर गया लेकिन अभी तक न ही अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर कुछ बयान दिया और न ही जयंत चौधरी ने ही अखिलेश पर कुछ कहा है। हालांकि इसके पीछे का राजनीतिक कारण क्या है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में खामोशी का भी कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। खैर, हमने आपको ये तो बता दिया कि जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आ जाने से पश्चिमी यूपी की राजनीति में कैसा बदलाव आएगा और बीजेपी ने पूरा गुणा भाग करके ही जयंत का अपनी पार्टी में स्वागत किया। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद जयंत चौधरी काफी खुश नजर आए। इस फैसले से जाट समुदाय भी काफी खुश है और अब चूंकि जाटों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी ने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया है तो ऐसे में अब बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है और पश्चिमी यूपी की राजनीति को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी में कैसे राजनीति बदली है और ये किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाने वाली है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।